मेहता था और क्या जानकारी दोनों जी। मेहता साहब एक किसरत है, प्रतापपुर के हैं। इनके परिवार का पुतका 15-20 लाख रुपए का था। ये सुबह अपने परिवार भाई से पैसे लेने गए तो उनके परिवार के लोगों ने इनके साथ हथियार भी जो वार किया और दूसरे और डंडों से। इन लोगों ने सरकारी अस्पताल में हमें फ़ोन किया, ये हम लोगों के टच में, हम समाज सेवी राशिद भाई है, अफसर भाई है, उन्होंने चीज़ों को फ़ोन किया हसीन भाई को। तो हमें आए जब मौके पर, आए तो हसीन भाई ने बताया यार ऐसे ऐसे हमने देखा है, इमरजेंसी में भर्ती पता चला साहब, यहाँ तो हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, पर्चा फाड़ दे, बोले साहब इमरजेंसी में चाहिए और कोई डॉक्टर नहीं, हमें मजबूरन आगे सर अस्पताल के बाहर ही नहीं लेना पड़ा था। आज स्थिति है कि भरा हुआ पेट तो संसार जगमगाता और खाली हुआ पेट तो ईमान जगमगाता। आज गरीबों के साथ ये स्थिति है, किसी का फोन आ गया तो ये लोग डर गए डॉक्टर। मैं कहता हूँ गलत है, चाहे मरीज गरीब हो या मालदार हो या कुछ भी, अगर स्थिति उसकी ख़राब है तो उसको भर्ती करना चाहिए। अब इस चीज़ को दोबारा से हमने सुपरिटेंडेंट साहब से बात करी, वो आए, उन्होंने अपने डॉक्टरों से बात की, अब उन्होंने जो है दोबारा से उसको भर्ती कर लिया गया है और उनका ट्रीटमेंट चालू है। कितने घंटे बाद मिला है? कम से कम 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें धूप में थे वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे ताऊजी के पैसे थे, हमने जमीन खरीदी थी, वो जमीन ताऊजी की फ्लॉटबाजी की थी, हमने पैसे उनके ध्यान हुआ हमारा, हमने पैसे देते वो उसके अंदर पंगा निकला, तो हमने कहते हैं अब हम आने पैसे वापस कर दो, वो राय से लगे हम नहीं लेंगे, तो हमारे 30 लाख रुपए हैं, तो हमने उनसे पैसे मांग लिए थे 2 साल से, ये टाइम पे टाइम दे रहे थे। आज सुबह फिर पापा ने फिर दोबारा पैसे मांगे, तो उनकी लड़की बोली हैं नहीं है पैसे बोली है, तो पापा ने साफ कहा तू क्यों बोलिए तेरे पापा बोलेंगे हैं, तो ताले उनका फिर काली बख्ताली करी और ताऊजी ने, तो फिर पापा ने कैसे गाली बगी, तो ताऊजी ने पापा के गलेवान पकड़ा और अत्ता रह के पापा के सिर पे मारा, फिर इतने भी मेरे भाई ने मेरे पापा को पकड़ा हटाने के लिए, तो इतने भी उनका बड़ा लड़का आगे मेरे भाई के सिर पे अद्धे पे अद्धे मारता था, फिर मैंने अपने जब उनके पकड़ा गुफान को उनके लड़के को, तो उनके सोते वाले लड़के ने फिर मेरे सिर पे अद्धे पे जाने शुरू करे, फिर इतने के बाद फिर घर में से वो चाकू निकाल के लाए और उनके पापा फिर तमन से निकाल के लाए, कह रहे मैं आज तुम्हें चांद से मार देंगे ये हुई, फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने को करा, घर के अंदर खुद चुके थे हमारे घर में, फिर से हमारी बाइक वगैरह सब तोड़ चुके हैं। अच्छा तुम अस्पताल आए तो कितनी देर बाहर है? क्या हमें 3-4 घंटे यूँ इधर से उधर भगाए चाहिए, एडमिट नहीं करा हमें। इनसे ज़मीन ली थी 7 लाख रुपये, इन्होंने साफ पाट करके बताई, जिसमें कुछ ज़मीन मोहम्मद मीर के नाम पे है, कुछ इनके नाम पे, वो ज़मीन से भी झगड़े की है। हम वहाँ पे गए, ज़मीन वाले ने मुझे अकील को गुलबाज को और बुखान को और इन्हें सबको हमें पीट के वहाँ से बताया, हमने कहा भाई तुम्हारी ज़मीन झगड़े की, तुमने साफ पाक बताई हमें पाट दिया, 2 साल हो गए पैसे वापस नहीं करे, 15 लाख नकद लिए हैं और 15 लाख रुपए खातों में गए हैं, 30 लाख रुपए हैं। तो आज क्या हुआ था, मतलब आज इनका वादा था 20 तारीख का बजट का, इन्होंने पैसे देने के बहाने अपने लोन से हाथ छोड़वा के हमें सबको पीट दिया। कितने लोगों को पीटवाया, मतलब मेरे हम मेरे दोनों बेटों को मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसका तली। और आपके दोनों बेटों का? मेरा एक बेटे का नाम साहिल है और दूसरे का मोहम्मद है, और तीनों हम घायल हो रखे हैं और हमें सरकारी अस्पताल में भर्ती भी नहीं कराया गया। इन लोगों के पास नेताओं के इतने फोन आ गए, उसके पास पेट्रोल पम्प भी है, असला भी है। और आप कितने बजे आए थे यहाँ? यहाँ पर हम सुबह आ गए थे करीबन 8:30 बजे। तब से भर्ती नहीं किया? ना, जब से हमें भर्ती नहीं करा गया, और हमें जो है कभी इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहे, कभी इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहे। लड़ाई इनके परिवार की लड़ाई है, पैसों का लेन देन था 15-20 लाख का, इन तीनों भाइयों को, परिवार वालों को, बेटों को, बाप को मारा और अस्पताल लेकर आए। हम लोग समाज से भी होने के नाते इन्होंने हमें फोन करा, हमने इमरजेंसी में दिखाए एक भैया के, इसके बच्चे के 6-7 लाख इनके बूमला लगा हुआ, हमने इन्होंने कहा 28 कमरे में ले जाओ, कोई भर्ती करने को तैयार नहीं। अब हमने सुपरिटेंडेंट साहब से मुलाकात की, वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा सर आप ये बताइए सरकारी अस्पताल के सामने आज मरीज जो है दर्द ठोकरे खाने को तैयार है, भर्ती करने को कोई तैयार नहीं है, तो उसको लेकर भी हम सुपरिटेंडेंट साहब आ रहे हैं, बोला कि मिलते हैं और अभी हम बात करते हैं इसका मतलब उठाने की कोशिश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।